की मेशिया गांव में आज तक बस की सुविधा नहीं है। बस वहां पे हमारी माताएं, हमारी बहनें जो हैं, दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर जो जाके, दो तीन किलोमीटर जाके वो वहां पे सफर करके मेन रोड तक आती है। लेकिन सरकार कहां वहां करेगी जहां पे उसका नाम होगा, लेकिन बीजेपी सरकार जो है वहां काम नहीं करेगी। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए थैंक यू सो मच। सर नाम बोलिए सर। अच्छा कहिए बोलिए कौन प्रॉब्लम। हमारे समाज के अति सम्माननीय जनाब डॉक्टर करूर साहब, दिनेश राणा, कुमारी राणा साहब, रविंद्र जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट, हमारे साथ में हमारे बैठे हुए सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मनीष साहब, हमारे से बैठे हुए गुप्ता जी, इस समाज के और इस समाज के कार्यक्रम के जो कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले मैं आप सबको अपनी ओर से और पूरे समाज की तरफ से गुरु रामदास जी के जन्मदिन के ऊपर बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। यहाँ कुछ 5-4 बातें हुई, मैंने सोचा मैं खरीफ में आप सबको थोड़ी सी बात जो है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। सर मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, तो मैंने सोचा था आपको एक बार फिर आपकी याददाश्त ताजा करवा दूं। रिजर्वेशन जो हमको 2005 से पहले सिर्फ एक एसआर और गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत मिला करती थी, उसका जो कानून बना, जो जिसको हमने एक एक्ट बनवाया, उस सब का जो श्रेय है शायद आपको भूल गया होगा, उसका जो श्रेय है वो डॉक्टर फारूक साहब को जाता है। इसी तरीके का एक फंक्शन आपको याद होगा, ऐसा ही फंक्शन गुरु रविदास मंदिर में हो रहा था और वहां पर ये डिमांड उठी उस वक्त के साहब इस कानून जो रिजर्वेशन है इसका कानून बनाइए। उस वक्त मैं भी वहां बैठा था और उन दिनों में मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहा था, तो फारूक साहब ने वही खड़े खड़े हुक्म किया कि भाई आप लोग किसको ढूंढ रहे हो, किसको कह रहे हो, कानून को इन्होंने लिखना है। इन्होंने हमें हुक्म किया कि ये कानून लिखिए, मैंने फिर वो लिखा और उसके बाद वो गवर्नमेंट में गया। उसके बाद उसने अपनी एक प्रोसीजर होता है टाइम लगा, लेकिन बरहाल वो कानून बाद में बन गया और वो जिसके तहत आज आपको रिजर्वेशन जो कानून मौका मिल रही है। बहुत सारे लोग और बात नहीं जानते होंगे, तो वही मैं आपको बता देना चाहूंगा। आज जम्मू मेडिकल कॉलेज के अंदर एक नहीं बल्कि 6 डॉक्टर साहब आपके प्रोजेक्ट पास करके चाहूंगा। डॉक्टर साहब मैं आपको मैसेज आप कह रहे हैं आपको बताना चाहूंगा, आपको भी याद नहीं होगा। मैं आज बताना चाहता हूं कि आज जम्मू मेडिकल कॉलेज के अंदर एक दो नहीं बल्कि 6 हमारे प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट आज बने हुए हैं। आपको मालूम है वो कैसे हुए? ये 1997 की बात है जब डॉक्टर साहब हमारे मेडिकल एजुकेशन के डिस्ट्रिक्ट थे, मैं उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। हमें एडवर्टीजमेंट करनी थी लेक्चर की कोर्स की। जब लेक्चरर्स की पोस्ट को एडवर्टाइजमेंट करने लगे तो मैं इनके पास गया, मैंने कहा साहब मैं लेक्चरर की पोस्ट को एडवर्टाइज क्या करूं, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन कहां से दूं? कहते क्यों? मैंने कहा हमारा कोई बच्चा एमएस और एमडी किए हुए है ही नहीं, तो उनको रिजर्वेशन कैसे मिलेगी? इन्होंने पूछा क्यों नहीं हुआ है?